सो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप लोग का ट्रेड टेस्ट में। दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, खासकर सफाई कर्मचारी में। इसी तरह कुक और वाटर केयर का पूछेंगे, तो आप लोग जो है देखते हैं, पूरा वीडियो सुनिए, रिव्यू देखिए क्या है, ठीक है। उसके बाद में मिलते हैं हम लोग वीडियो के एंड में। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। जी भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया है हालचाल। सेंटर पे हैं, बाहर आ गए हैं? बाहर आ गए हैं। अच्छा, आपका आज फर्स्ट डे था कि सेकंड डे था? आज आज फर्स्ट डे था। सेंटर क्या, कौन सा था आपका सेंटर? जीसी रामपुर। अच्छा, रामपुर। तो जरा बताइए प्रोसेस कैसे कैसे क्या हुआ, कितने बजे रिपोर्टिंग हुआ आपका, ये सारी चीजें। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग टाइम एडमिट कार्ड पे जो लिखा था उसी के टाइम से हम वहां पहुंचे। 5 बजे लगभग हमारी एंट्री 5:10 या 15 मिनट के आसपास हुई। उसके बाद एंट्री होने के साथ ही उसके बाद गेट पे एडमिट कार्ड, और बस एडमिट कार्ड चेक हो रहा है गेट पे। उसके बाद एंट्री हो जा रही है। उसके बाद गेट से जस्ट आगे जाने पर वहाँ सीरियल नंबर मिल रहा है। टेस्ट नंबर। उसी नहीं, सीरियल नंबर मतलब एडमिट कार्ड पे लिखा जा रहा है, अच्छा। उसी हिसाब से आपको अंदर ले जाया जा रहा है बच्चों को, सभी बच्चों को। उसके बाद हम लोग ग्राउंड में बैठे कुछ देर जाकर, उसके बाद ले गए हम लोगों को हाइट और चेस्ट नापाने के लिए। तो उसके बाद हाइट और चेस्ट एक एक बंदे का हुआ आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। कोई कोई बच्चा हाइट चेस्ट में फेल हो रहा था, जो नहीं फुला पा रहे थे 5 सेंटीमीटर। अच्छा, मौका मिल रहा था कि नहीं दोबारा टेस्ट का? मौका मिल रहा है, मौका मिल रहा है जो जिसका चेस्ट नहीं फूल पा रहा है, एक बार में एक से दो दो से तीन बार मिल रहा है मौका, उसके बाद रिजेक्ट कर दे रहे हैं। हाइट में भी मौका मिल रहा है। हाइट में अगर आपको कोई डाउट है कि मेरा हाइट है और, तो दोबारा आप नपवा सकते हैं वहाँ, अच्छा, अपील कोई करने दिक्कत। पे मतलब दोबारा हो जा रहा है हाँ, हाइट। अपील करने पे वहाँ आपकी हाइट दोबारा नापी जा रही है। वहाँ के जो स्टाफ है मतलब अच्छे स्टाफ है, मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं सभी बच्चों के साथ। सीधा व्यवहार है, मतलब उल्टा व्यवहार बिल्कुल हाँ नहीं है। नहीं, अच्छा, तो ये उसके बाद बताइए, वो तो हम बात करेंगे, लाइन बाय लाइन चलेंगे उस चीज पे, ठीक है। हाँ जरा ये बताइए कि आपके अंदाज से कि कितने बच्चे रिपोर्ट किए होंगे, कितने में से कितने लोगों का रिपोर्टिंग था? आज आज रिपोर्टिंग था हम 300 लड़कों का, और प्रेजेंट बच्चे थे 212 मतलब अच्छा खासा टोटल। रेशियो में प्रेजेंट है, हाँ, 212 तो लड़के आ जाए थे। हाँ, 70-72% हो जा रही है। 70-72% के आसपास। तो सब एक ही ट्रेड के थे कि और भी कोई ट्रेड का था नहीं मतलब? नहीं ओनली सफाई कर्मचारी के थे आज। अच्छा, तो सफाई कर्मचारी का ट्रेड जो हो गया, तो आपका फिर रनिंग कितने बजे करवाया गया आपका, चेस्ट हाइट हो गया? रनिंग देखिए, लगभग ये जो हाइट और चेस्ट की प्रक्रिया थी, हम लोग का फर्स्ट बैच में 30 लड़के थे, तो लगभग हम लोग का जो हाइट चेस्ट का प्रक्रिया था वो 9 बजे के करीब में समाप्त हो गया था 30 बच्चों का। तो वो लोग 30 बच्चे का ही ग्रुप बना दिए पहला, तो 30 बच्चे का ग्रुप बनाया था जिसमें से 3 लड़के हाइट और चेस्ट में बाहर थे। 27 बच्चों को ग्राउंड पे ले गया 9:30 बजे के करीब में। उसके बाद दौड़ स्टार्ट हो गई, हमको लगा 9:30 बजे के करीब में स्टार्ट हो गई दौड़। 1600 मीटर एक चक्कर मारना था पूरा। अच्छा, एक ही राउंड 1600 मीटर का? हाँ, रोड था, रोड पे ही रनिंग हो रही है, और कंक्रीट भी है थोड़ा रोड पे, जूता पहन कर भागेंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। हाँ, क्योंकि कंक्रीट है, मान लीजिए उसमें पैर में चोट वोट लग सकती है, इसलिए ज्यादा बेस्ट जूते पे ही रहेगा रनिंग। अब टाइम पर्याप्त है, आराम से बच्चे, कोई बच्चा रनिंग में फेल नहीं हो रहा है, एकदम आराम से 8 मिनट के अंदर सभी बच्चे आ गए थे हमारे ग्रुप अच्छा में। अच्छा ये बताइए कि जैसे कुछ बंदे जो हैं मतलब कभी रनिंग बहुत कम ही किए हैं, तो वो लोग भी निकाल सकते हैं इसको? 2-2.5 मिनट पर राउंड है, तो 400 मीटर का तो क्या खूब दिक्कत है? आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी भी रनिंग 9-9.5 मिनट में हो जाएगी, अगर जो एकदम भी नहीं दौड़ा है तो। बस कोई चलते रहना घबराहट है, की जरूरत चलते नहीं रहना है, है। कोई घबराहट की जरूरत नहीं, बस रुकना नहीं है, आराम से चल देंगे तो पास हो जाएंगे, मतलब दौड़ते रहना है थोड़ा बहुत, मतलब रुकेंगे तो फेल हो सकते हैं अगर जो नौ नहीं दौड़ा एक ही रिदम में बस है। चलते रहना है। हाँ, बस एक ही रिदम में चलते रहना। शुरुआत में जो है बच्चे बहुत मतलब खींच रहे हैं, खींच के भाग रहे हैं 200-300 मीटर, तो आपको मतलब जो नए बच्चे हैं उनको घबराना नहीं है, टाइम पर्याप्त है, आराम से
उनके हाँ, साथ अपने ही। आप पे चलना है, अपने औकात हाँ से चलना है, मतलब जैसा बस अपना जितना स्टेमिना है उसको बचा के रखना है, लास्ट में जितना खींच सकते हैं खींच लीजिए 400-500 मीटर। लगभग हमको लग रहा है 5 मोड़ आ रहे हैं, पांच 5 मोड़ मतलब रनिंग करने के टाइम में आ रहा है, 5 मोड़ है। अच्छा, इस आपके पर्सनल सेंटर पे, रामपुर वाले सेंटर हाँ पे। अच्छा हाँ रामपुर वाले सेंटर पे। अच्छा तो ये तो फिजिकल हो गया, उसके बाद मतलब आपकी उसके पहली बाद पहली आपकी बैच थी फिजिकल का। हाँ पहली बैच थी हमारी, उसके बाद वो हम लोग को कुछ देर बैठाए ग्राउंड में, उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज एक्सरसाइज बोले कि कर लो, पैर नहीं तो पकड़ लेगा, सही उसके बात बाद है। एक्सरसाइज उसके बाद कराया था, उसके बाद हम लोग को ग्राउंड में लेकर आ गए इधर साइड में। उसके बाद खाना पीना मतलब बोले कि अगर कुछ लाए हो तो खा लो पी लो, और नहीं तो वहाँ मेस भी है व्यवस्था, पैसे पे आराम से कोई दिक्कत नहीं है, पैसे दो और जो मन वो ले लो। तो मैं इसमें मतलब खाना वाना मिल रहा है कि खाली नाश्ता वगैरह का व्यवस्था है? खाना वाना भी मिल रहा है, खाना भी नाश्ता भी, और मतलब जो कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक जो भी है तो फास्ट फूड। आप क्या लिए खाने में? नहीं मैं खाना वहाँ मेस में नहीं गया क्योंकि मैं खाना ले गया था अपना, अच्छा, घर से ले गए थे। अच्छा, हाँ घर से ले गया था। फिर भी जो लोग लिए होंगे वो लोग को तो देख के मालूम पड़ता है खाना अच्छा है कि खराब है। हाँ खाना तो ठीक था, बच्चे बता रहे थे ऐसे कि जो मतलब लिए वो बच्चे बता रहे थे, कितना रुपया लगा था खाने का? तो लगभग 50 रुपये लग रहा था खाने का, कोई महंगा भी नहीं है ना? ना कोई महंगा नहीं है, खाना सस्ता ही है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ आपका, फिर खाना उसके वाना? बाद खाना पीना हो गया, लगभग एक डेढ़ घंटे लगभग बैठाया रहा वैसे ही हम लोग को ग्राउंड में। और कल वालों जो बच्चे थे उन लोगों का सब प्रक्रिया भी चल रहा था, अभी उन लोगों का भी कुछ बाकी था, टेस्ट टेस्ट भी बाकी था, तो उन लोगों का भी हो रहा था, साथ साथ हम लोगों का भी हो रहा था। अच्छा, लगभग हम लोगों फिर 11 बजे के करीब में हम लोगों को ले गए थंब इम्प्रेशन लगाने के लिए। बायोमेट्रिक। हाँ बायोमेट्रिक हो रहा है आराम से, शुरुआत में भी बायोमेट्रिक हो रहा है, वो अंगूठा लगाना है जब गेट पे एंट्री हो रही है वहाँ भी, और वहाँ जब रनिंग हो जा रही उसके बाद भी थंब लग रहा है वो कंप्यूटराइज। उसके बाद थंब लग गया सभी बच्चों का एक एक करके, उसके बाद थंब लग गया, उसके बाद सभी बच्चों को बैठा दिए बाहर। लगभग हम लोग लग रहा है 1-1.5 घंटे और मतलब बैठा है वैसे ही, लगभग 3 बज चुके थे हम लोग का जब ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ट्रेड उसके टेस्ट बाद में मत क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जा रहे हैं क्या? ट्रेड टेस्ट में हम बता रहे हैं शुरुआत से क्या हुआ, शुरुआत में ले गए हम लोग को जैसे 27 बच्चे थे तो 9-9 का ग्रुप बना दिए, उसके बाद बोल दिए कि फर्स्ट ग्रुप जो हमारा था 9 का पाम पहले में थे, तो हम लोग को बोला कि बाथरूम था और लैट्रिन था और टॉयलेट था, तो मतलब उसको बोला कि पूरा मतलब लंबा चौड़ा था, तीन हमको लग रहा है लैट्रिन था और बाथरूम वाथरूम भी था, बोला कि इसको पूरा साफ करना है। उसके बाद अगले 9 वालों को बोला था कि जो बाहर का ही मतलब वो जिसमें हम लोग बैठे थे जो गैलरी था उसी को बोल दिया कि उन लोगों को कि तुम 9 लोग इधर हो जाओ आधे में और तुम लोग 9 लोग इधर आधे में हो जाओ, और इसको पूरे साफ करना है मतलब झाड़ू उड़ू भी मारना है, और वहां बता नहीं रहे कि आपको क्या करना है, बस वो बोल दे रहे हैं कि साफ करना है। वहाँ सभी इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं उसका यूज आना चाहिए, जो जो मतलब आप उठा रहे हैं उसका यूज आना चाहिए। उसके बाद वो आराम से हो जा रहा है, उसके बाद ये हम लोग बाथरूम वाथरूम साफ कर दिए, उसके बाद आया देखा, वो तो देख भी रहे थे साथ साथ और रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, अच्छा, वीडियोग्राफी भी चल रही थी मतलब, और उसके बाद हम लोग को साफ करा दिया, तो उसके बाद बाहर बैठा दिया, फिर से बाहर बैठा दिए, तो कुछ देर हुआ तो हम लोग को ले गए अंदर 1-1.5 घंटे के बाद, लगभग 4-4:30 बज गए थे, तो 4-4:30 बजे हमको लग रहा है कि उसके बाद रिटेन हुआ स्टेट टेस्ट का ही। रिटर्न का क्या था हाँ उसमें? रिटेन में एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि सफाई कर्मचारी का समाज में क्या महत्व है, एक ही क्वेश्चन था उसमें 5 लाइन लिखना था, उसमें आंसर दिया था, आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश दोनों दिया था, आप जिसमें आंसर देना चाहते हैं दे सकते हैं। अच्छा, वो पेन पेपर से लिखना था। हाँ मतलब आप मिल रहा था पन्ना,
तो उसका जवाब में आप क्या लिखे अपने हिसाब से? मतलब हम तो बस लिखे कि सफाई कर्मचारी जो समाज में जितने भी गंदगी मतलब जो भी कचरा साफ सुथरा मतलब अगर समाज को रखना है तो उसमें सफाई कर्मचारी का बहुत ही महत्व होता है। मतलब अगर कहीं फील्ड है चाहे कहीं भी हाँ, अगर सफाई उस पे कर्मचारी हर विभाग में हर चीज में चाहिए रहता है कोई बंदा, ताकि जो उसकी जो सुंदरता वो बरकरार रहे, मतलब साफ सुथरी हाँ, रहे। स्वच्छ वातावरण और साफ सुथरा वातावरण रखने के लिए सफाई कर्मचारी का होना बहुत जरूरी होता है। मतलब इसमें ही अपने मन से बना के जो मतलब आपको मन हाँ, में आ मतलब रहा है इसमें वो किसी को लिख। फेल किया कि नहीं टेट टेस्ट में? नहीं उसके बाद देखिए बता रहे हैं, मतलब उसके बाद क्या हुआ कि रिटेन हो गया, उसके बाद वो जमा होना कर लिए फाइल हुई, उसके बाद क्या हुआ कि बैठाए फिर मतलब आधा से 1 घंटा लगभग, उसके बाद वाइवा के लिए बुलाना स्टार्ट किए एक एक करके, उसके बाद 5 या 6 बज रहे होंगे हमको लग रहा है, वाइवा हुआ एक एक लड़कों का, हमारा भी वाइवा 2nd नंबर पे था मेरा। हमसे वाइवा में क्वेश्चन ये पूछे गए कि जो ग्लास होता है शीशा उसपे मतलब आप कैसे मतलब उसे साफ करेंगे, तो मैंने बताया लिक्विड, तो पूछ रही थी मैडम थी और वाइवा जो ले रही थी, उसके बाद पूछ रही है कि वो जो लिक्विड होता है उसका नाम जानना चाहती हूँ, तो मुझे नाम याद नहीं थे, मैंने बता दिया कि मैम नाम नहीं पता है मैं। उसके बाद बोली कि 2nd क्वेश्चन थी कि जो बांस झाड़ू होता है उसे कैसे बांधते हैं, तो मतलब बांस झाड़ू तो हम बता दिए कि मतलब बांस झाड़ू जो तो पहले बांस लाए लेंगे, उसके बाद जो झाड़ू रहता है उसका सीख लेंगे और उसे इकट्ठा करके और मुट्ठी में बांधेंगे, सुतली हाँ वगैरह से बांध सकते हैं उसको। उसके बाद रस्सी से बांध देंगे उसमें डंडा लगा के, तो उसके बाद कहीं की जाओ ठीक है वाइवा हो गया ऐसे। उसके बाद हम लोगों लगभग 7-8 बजे के करीब में हम लोगों अभी मतलब ट्रेड में एक भी बच्चा फेल नहीं था, और बता भी नहीं रहे कि कौन फेल है कौन पास है, वो बस बैठा दे रहे हैं, बोल रहे कि बुलाएंगे तो आना। उसके बाद सारे बच्चों को बैठा दिए साइड में ग्राउंड में, उसके बाद डीबी के लिए बुलाया सभी बच्चों को, तो मतलब सारे बच्चे क्वालिफाइड थे टेस्ट में, मतलब जिनका अगर पास है जो बच्चे वही आगे की प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल। नहीं तो आगे ही रिजेक्शन स्लिप मिल जा रहा है, लेकिन जो बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं उनको भी साथ ही में छोड़ा जा रहा है शाम को ही। अच्छा, हमारे साथ ही सभी तो बच्चे छोड़ डॉक्यूमेंट जाए। वेरिफिकेशन के बाद आपको छोड़ा, यही ना? हाँ उसके बाद ट्रे टेस्ट हो गया तो उसके बाद डीवी हो गया, डीवी आराम से 7-8 बजे के करीब में हुआ लगभग, तो डीवी हुआ उसके बाद आराम से 1-1.5 घंटे में छोड़ा लगभग, वही दस तो बज गए। ये बताइए कि जैसे पूरे दिन अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, कई लोग जो होते हैं जिनको चक्कर उखाने रहता है धूप वगैरह में बैठ के, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं मैसेज? मतलब हमको हम ये बोलना चाहेंगे कि अपना खाने पीने का जो भी व्यवस्था है वो ले जाएं आराम से, और ग्लूकोज व्लूकोज ले लें ताकि एनर्जेटिक रहें, महसूस हो एनर्जेटिक रहें, और बॉडी को ज़्यादा सुस्त नहीं करना हाँ, मतलब थोड़ा फुर्ती रखना है अपने अंदर। वहाँ। हाँ अपने बॉडी को फुर्ती रखना है, जैसे जैसे अफसर बुलाए ये नहीं कि सुस्ती की तरह आराम से जा रहे हैं, आराम से वहाँ वॉकिंग मतलब लगभग टहलने के वाले मतलब वो वार्म अप में जाना है लगभग, थोड़ा थोड़ा अपने आप को दिखाना है कि हम उस लायक हैं, हम फोर्स में जाते तो थोड़ा हाँ ना वार्म अप रहे, वाले पोजीशन में जाना है, ये नहीं कि पैदल चलना है। हल्का हल्का थोड़ा जॉगिंग टाइप का चलते रहना है। हाँ अच्छा, और बाकी सब स्टाफ अच्छे हैं वहाँ के, बस यही हमारा प्रक्रिया, उसके बाद बोल दिए लास्ट में सभी बच्चों के एडमिट कार्ड को लिख दिए कि कल आना है, रिपोर्टिंग अच्छा टाइम लिख तो दिए, दो एडमिट कार्ड मंगा रहे, तो इसमें जो बहुत लोग डाउट, दो एडमिट कार्ड की क्या जरूरत पड़ रहा है? तो एडमिट कार्ड मंगा रहे हैं लेकिन लग तो एक ही एडमिट कार्ड लग रहा अच्छा, मेरे हिसाब से कि दो अगर कुछ बैकअप के लिए रखते मंगवाते होंगे, एक है। कि हाँ कहीं हो अगर सकता एक है कि पानी वानी से भीग भाग गया, चाहे कुछ अगर हो गया। हाँ हाँ उसी के लिए मंगा रहे हैं, नहीं तो वैसे एक ही का काम है वहाँ अच्छा, और फोटो शुरू से। वगैरह हम जो फोटो दो चार फोटो जो है वो मंगाने, तो वो लगभग हमको लग रहा है 4 से 5 फोटो, 5 फोटो लेने लड़के तो सही रहेगा क्योंकि फोटो 4 के आसपास लग रहा है। अच्छा देखा, जैसे मुझे भी एक रामपुर का शाम का मुझे एक बंदा दिया इंटरव्यू, जिसमें हाँ ड्राइवर का ट्रेड था उनका, तो वो परसों के दिन, मतलब सॉरी कल के दिन वो आए थे, तो
हाँ हो सकता। हाँ, तो उसमें उनका जैसे मेडिकल नहीं हुआ, मेडिकल आज हुआ उनका, मतलब आज नहीं कल होगा मेडिकल उनका भी, तो उनका खाली जो है हॉस्पिटल में लेके जाके उनका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अपना जो है एक्सरे हुआ है, तीन चीज़ खाली हुआ है ना। और मैं शाम को ही उनका इंटरव्यू लिया, तो अब तक तो उनके आगे का कुछ प्रोसेस नहीं हुआ था। तो उस पे मतलब क्या अभी जैसे साथ में लगता है कि आपका भी और उनका होगा, मतलब क्या मतलब? मेडिकल जो है साथ में आपका और उनका होगा कल? नहीं कोई जरूरी नहीं है, साथ में होगा क्योंकि प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है यहाँ, मतलब लेट बहुत हो रहा है। अच्छा, तो शुरू के 2-4 दिन तो थोड़ा लेट होता ही है, वो तो जाहिर सी हाँ बात है। वो स्टाफ अभी सेटल भी नहीं हो पाते हैं ना, अपने अपने स्टाफ को काम अभी मतलब बता भी नहीं है, कोई स्टाफ कोई भी काम कर दे रहा है। अच्छा, हाँ ये इसीलिए लेट हो रहा है मतलब थोड़ा। अभी देखिए 2-4 दिन बाद जब सब अपना अपना काम पकड़ लें कि मुझे ये करना है, हाँ आपको ये करना है। लेट होना लाजमी भी है क्योंकि सभी काम एक साथ हो रहे हैं, तो अगले दिन वाले बच्चे भी आ रहे हैं, पिछले दिन वाले बच्चे भी आ रहे हैं, अच्छा, तो अब मान लीजिए दोनों का साथ ही मेरे प्रोसेस होगा तो लेट तो होगा ही, मतलब कि इसलिए ज्यादा ओवरऑल ले। सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हो रही ओवरऑल है। सब बढ़िया है और बच्चा अगर घबराए नहीं तो आराम से पास करेगा सब तो चीज, घबराना ही क्या है, कौन सा आपको वहां पे जो और है? उसमें अच्छा, रनिंग में तो कुछ है नहीं, आराम से बंदा पास लेगा, नहीं भी दौड़ा रहेगा तो। तो आप दौड़ते थे कभी पहले? अच्छा हाँ मैं तो रनिंग करता था अपने अच्छा ग्राउंड पे, अच्छा मेरा अच्छा लगभग वहाँ 8 8 मिनट 13 सेकंड आए थे लास्ट टाइम, यहाँ रनिंग मेरा लग गया था 744 में। हाँ अच्छा अच्छा तो घड़ी वड़ी सब देख देख के तो रनिंग कर रहे थे आप? घड़ी पहन सकते हैं लेकिन मेरा टाइम पता चल गया क्योंकि ऑफिसर वहाँ फिनिशिंग में बता रहे थे, जैसे 744, सात जैसे पैंतालीस हाँ ऐसा। जैसे बंदे पास घुस रहे थे अंदर बोल रहे थे टाइम। चलिए ठीक है, सबसे बढ़िया अब तक का इंटरव्यू आपका हुआ है, डिटेल में आप बताए हैं अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। और भगवान करे कल आपको मेडिकल सब अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना? जी तो फिर सर शाम को भी कल आपसे बात होगा, आपसे फिर रिव्यू लिया जाएगा मेडिकल का, डिटेल मेडिकल का, है ना? जी सर और उसके बाद में अगर आप सब कुछ हो गया तो फाइनल में मेरिट में आप पे जब नाम आएगा तो फिर से एक इंटरव्यू लिया जाएगा, ताकि जो सर आगे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं चाहे कोई भी। मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि जिनकी हाइट थोड़ा कम भी है तो मतलब वो ट्राई क्या करें, करे कि थोड़ा मतलब वो ट्राई करें, और 1 70 भी आए थे तो बच्चे कई हैं कि डर जाते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो वो बच्चे भी आए और मतलब थोड़ा सा अपने बॉडी को टाइटली खड़ा, जब हाइट नापने जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा टाइट खड़े हो, अब बॉडी को लूज करेंगे तो हाइट उससे 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर घट जाएगी, क्योंकि मैं बता दूं कि मेरा हाइट SSB में 1.69 हुआ था, 693 वाले पोस्ट में, अच्छा यहाँ मेरा हाइट बहुत अच्छे तरीके से नापा गया और मैं टाइट खड़ा भी था, मेरा भी डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा क्योंकि 1.69 मेरा नप चुका था हाइट अच्छा तो ये SSB में। उसमें आपको फेल कर दिया गया? किस में? SSB में नहीं, उसमें हाइट कम मांगा था इसलिए पास था मैं, अच्छा, तो तो उसमें मेरिट मैं में? इसमें नहीं, उसमें मैं ट्रेड टेस्ट में फेल हो गया था 1 नंबर से SSB में, कौन सा ट्रेड था आपका वो? उसमें भी यही ट्रेड था, उसमें 1 नंबर से मैं फेल हो गया, अच्छा, वहाँ का ट्रेड टेस्ट थोड़ा हार्ड हो रहा था हमारे हिसाब से। वहाँ 60% नंबर क्वालिफाइंग था, यहाँ 40% है, 50 में से 20 मार्क्स खाली क्वालिफाइंग। तो यहाँ मतलब वही कह रहे हैं कि जिनका 1.70 भी आए थे वो भी आए जरूर, क्योंकि अच्छा अपने सब बॉडी को अगर बढ़िया से अगर पोजीशन में हाइट नपाते हैं तो आपका हाइट हो जाएगा, क्योंकि हाँ, मेरा 1.69 हाइट आनंद दे, था SSB में और मेरा 1.71.5 नापा गया हाइट यहाँ। मतलब कि अच्छा खासा आपका हाइट नाप दिया है। हाँ लगभग 2.5 सेंटीमीटर सोचिए वृद्धि हुआ, तो मतलब रिटेन आप देकर आए हैं तो आपका हाइट और चेस्ट बढ़िया से हो रहा है, और आप अगर संतुष्ट नहीं है तो आप दोबारा भी करा सकते हैं, 2 बार 3 बार हो रहा है। अपील होने पे हो जा रहा है। हाँ अपील होने पे वहाँ कमांडेंट आ रहा है, उससे अपील करने पे आपकी हाइट दोबारा नापी जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है और रहने वहने का बाकी व्यवस्था आस कोई पास है? अच्छा, दिक्कत नहीं है, यहाँ रहने की व्यवस्था हम लोग अभी एक गणेश धर्मशाला है लगभग सेंटर से 2 2.5 किलोमीटर की दूरी पे, जो बच्चा भी मतलब यहाँ आना चाहेगा तो हाँ, यहाँ आराम से रह सकता है, अच्छा
यहाँ का चार्ज है मात्र 100 रुपया एक दिन का, 24 घंटे का। अच्छा, हाँ मतलब अपना खाना होटल होटल भी पार्टी में खा सकते हैं यहाँ। चलिए ठीक है, अब जो वीडियो लंबा हो जाएगा सब डालना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है सर, ये ठीक सब है चीज़ बात आपसे बाद में भी होते रहेगी, है ना। जी सर, इंटरव्यू तो मान लीजिए होता रहेगा। चलिए ठीक है, तो फिर रखते हैं इसको इतने पे ही, है ना। ठीक है ठीक है अभी ठीक कल है आपका मेडिकल का रिव्यू लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है हालांकि सर, मेडिकल आप फिट ही जाएंगे, जहाँ तक आपका जो मोटिवेशन आपको सुन के आपके अंदर से आ रहा है, जो जी देशभक्ति दिख रही है आपकी बातों से, जी उससे 100% मैं श्योर हूँ कि आप कल फिट हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा लगा होगा, सारे डाउट्स आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। तब तक के दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।